आज लाहौर में मस्नूई बारिश का तजर्बा किया गया और बारिश के बाद सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं कि पानी खड़ा है शायद, और बहुत सर्दी भी लग रही है और हमारे कपड़े तकरीबन गीले हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। इमरान, तजर्बा हुआ आज पहली मरतबा, जो भी है क्रेडिट तो जाता है यार कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मस्नूई आर्टिफिशियल बारिश, क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल बारिश या मस्नूई बारिश ऐसे ही थी जैसे फिल्मों में होती है। बिल्कुल। और फिल्मों में या तो हीरो या हीरोइन जब गाने में आते हैं तब बारिश करवाई जाती है, या फिर किसी की लड़ाई हो रही होती है और एकदम बारिश हो जाती है, या फिर वो दुआएं कर रहे होते हैं घंटियां बजा बजा के कि बारिश हो जाए और बारिश हो जाती है। तो ये पूरी काबीना माशाल्लाह उसी तरीके से दुआ कर रही है, घंटियां बजा रही है, लेकिन वो बारिश करवाने में अब तक नाकाम है। मस्नूई बारिश कौन से इलाके में हुई है? वो कह रहे हैं कि हमने फलां जगह करवाई है, फलां जगह करवाई है, फलां जगह करवाई है। जोटोन गुलबर्ग वाली साइड पर तो नहीं हुई। ये देखें, अल्लाह ताला की जात का हम सब मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो करोड़ों रुपयों की कौम के पैसे बर्बाद करके छोटा सा शावर कर देते हैं, वो जो इस्त्री करने वाला शावर होता है कपड़े वो करवा देते हैं, वो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह बारिश बरसा देता है। तो ये इस हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वापस आता हूँ मस्नूई बारिश पर। ये मस्नूई बारिश उसी तरीके से है जिस तरीके से ये मस्नूई हुकूमत है, ठीक है? ये मस्नूई हुकूमत है जो कि धड़ाधड़ काम कर रही है, एफिशिएंसियां झाड़ रहे हैं। ये नकवी साहब शायद टिकट लेना चाहते हैं। नकवी साहब, ये सारे मामला तो आपके नहीं है, कसम से आपके नहीं है। आप इलेक्शन करवाएं, मैंडेट लेकर जो हुकूमत आएगी उसके सर डालेंगे, ये उनका काम है। जो पुरानी हुकूमत के थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट थे आपने उन पर वर्क किया, आपने फित्ते काट दिए जा जाके फौरी तौर पर, वो आपके नाम हो ही जा रहे हैं जी। तो भाई आपके क्रेडिट पे ये सारी चीजें नहीं आएंगी। आप तो आईनी वजीर आला भी नहीं रहे, 90 दिन के लिए आईनी वजीर आला निगरान वजीर आला आता है, आप तो कानून से तजावज कर चुके हैं। नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन के लिए राह अमूर करें, आप लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या बाकी जो पंजाब की जमातें हैं उनके लिए राहें खोलें, इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन करवाना आपका काम है, ये आपका काम नहीं है। ये देखें, इतनी बारिश हुई है कि सामने का जो माहौल है वो जबरदस्त हुआ हुआ है, और बारिश की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है? रोड खाली है, और ये देखें वो बेचारे मजदूर बारिश में उनका रिक्शा फंसा हुआ है, और रिक्शा फंसने की वजह से मामला खराब है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि जो माहौल था गर्दिश में आया हुआ वो सारा क्लियर हो चुका है। तो ये मस्नूई बारिश का नतीजा था। अगर आप चाहते हैं ना कि लाहौर का माहौल क्लियर हो, तो जिन फैक्ट्रियों से हुकूमती नुमाइंदे जाके या आपके अदारों के नुमाइंदे जाके अदारे जाकर पैसे पकड़ते हैं ना फैक्ट्री एरियाज में, उन फैक्ट्रियों को जाकर सील करें, भट्ठे सील करें, जिन लोगों से आप पैसे लेते हैं वो जाके सील करें। वजीर आला पंजाब साहब, तो पता है आज सुबह की रिपोर्ट आई है कि जनाब लाहौर आज भी आज की डेट में दुनिया का आलूदा तरीन, जी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सलीम भाई, मैं आपको बताता हूँ, मेरा घर जो है वो ग्रीन टोन वाले एरिया में, ग्रीन टोन के पास बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया, लाहौर के तमाम रहने वालों को पता है। वहां से रात को गुजरो ना, धुएं के अनबार लग रहे होते हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं। अगर गिरदोनवा के भट्ठे देखें तो वो भी चल रहे हैं, तो उनसे बात करो ना कि भाई ये भट्ठे क्यों चल रहे हैं, मौसम आलूदा कर रहे हैं, मौजूदा टाइम में तो इनको नहीं चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यार बंदा आंदा है 10,000 उन्हें लाई दे तो पूरा महीना चल जाता है साडा। इसी तरीके से फैक्ट्रियों का हाल भी यही है, लकड़ियां जलाते हैं, धुआं आता है, कचरा जलाते हैं, बड़े मामले आते हैं जिसकी वजह से ये आलूदगी फैल रही है। और वो नकवी साहब माशाल्लाह गैरतमंद नकवी साहब स्पीड भी है, स्पीड ओवर स्पीड है ना, ओवर स्पीड है। वो जो रोड रूलर होता है ना, ये रोड रूलर है जो ओवर स्पीड में चल रहा है, खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरों को भी।